फिरोजाबाद के टूनला क्षेत्र वंशीधर महाविद्यालय के छात्रों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया जिसमें परीक्षा फल घोषित कराने की मांग की है। बताते चलें कि विगत सत्र 2017-18 में वंशीधर महाविद्यालय के लगभग 100 बच्चों ने बीए द्वितीय वर्ष बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा चौधरी मुल्तान सिंह महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र होने पर दी थी, लेकिन आज तक परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है, जबकि महाविद्यालय प्रबंधक प्राचार्य संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इस कारण गुरुवार को शिवानी शर्मा, कुमकुम आकांक्षा जैन, सृष्टि चतुर्वेदी के साथ साथ दर्जनों छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मिलकर समस्या का निस्तारण कराने का आग्रह किया है। वहीं छात्राओं ने बताया सामूहिक नकल होने का हवाला भी दिया गया था, जबकि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सब अपना नाम, अपना रोल नंबर लेके एग्जाम का रोल नंबर मेरा नाम विजय कुमारी है और हम कौन से विद्यालय से बिलोंग करते हैं आप लोग? हम सभी सात छात्र बंसीधर कॉलेज में पढ़ते हैं। हम लोग हमारी परीक्षाएं मुल्तान सिंह कॉलेज में हुई थी, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी परीक्षाएं दी थी और हमें गोमिया 3:30 बजे दी जाती थी। 3 बजे की बजाय हमारी परीक्षा अगर हमने नकल की थी तो हमारी परीक्षा दूसरे दिन निरस्त क्यों नहीं की गई? अगर हमने परीक्षा हमारी नकल हुई थी तो सीसीटीवी फुटेज दीजिए। और फिर हम लोगों ने जब परीक्षा दी तो हमारी प्रेजेंट सीट भी नहीं आती थी। क्या नाम भैया आपको? जी मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बंसीधर मेमोरियल विद्यालय का छात्र हूँ। और 2018 में हम लोग ने मुल्तान सिंह कॉलेज में अपने एग्जाम दिए थी, जो कि वहाँ पे हमारे साथ अब ये हुआ है कि 3 महीने हो गए हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। और जब हमने इस बारे में पता लगाया कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तो यूनिवर्सिटी गए, वहाँ जाके हमें पता चला कि हम लोगों का रिजल्ट UFM में डाल दिया गया है, जो कि सामूहिक नकल आती है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब हमने एग्जाम दिए थे CCTV के निगरानी में दिए थे, उस टाइम पे कोई भी नकल नहीं हुई थी, हमने एकदम सादा सरल तरीके से पेपर दिए थे, लेकिन अब जब हमने पता किया तो हमारे UFM में डाल दिया गया। इसलिए हमारी उम्मीद ये है DM साहब से कि हमें जैसे नॉर्मल तरीके से रिजल्ट आता है उसी तरीके से हम लोगों का रिजल्ट आए हमें, अगर क्योंकि अगर UFM द्वारा आता है तो हम सब लोग के बच्चे फेल हैं, करीब 450 बच्चे हैं, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, और जो कि बिल्कुल भी एक तरफ से गलत तरीके से है, क्योंकि नकल हमने की होती तो उसी टाइम पे हमारा कॉलेज सील होना चाहिए थे, हमारी क्लास सील करनी चाहिए थी उनको, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपने पेपर दोषी किसे मानते हैं आप? दोषी हम प्रशासन को मांगते हैं, जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, बिना कोई जांच पड़ताल किए ही हमें UFM में डाल दिया गया है। और हमारे साथ एक वहाँ कॉलेज मामला ये बंसीधर विद्या डिग्री कॉलेज की बच्चियाँ हैं, इनका BSc का सेकंड ईयर का रिजल्ट किसी कारणवश यूनिवर्सिटी से रुक गया है, बच्चियाँ परेशान हैं। निश्चित रूप से मैं संगठन स्तर पर जो भी इनकी मदद है वो कराऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इन्हें इसका परिणाम मिल जाएगा।